हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। थॉर के ट्रेलर या टीजर के लिए हम फैंस को ऐसे तड़पाया गया है जैसे प्यासे को पानी के लिए तड़पाया जाता है। लेकिन भाई लोग घबराएं बिल्कुल भी मत, क्योंकि आज जो थॉर लव एंड थंडर मूवी से रिलेटेड न्यूज लेकर मैं आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब हमें थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमें ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि थॉर के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी और वैलकेरी की एक्ट्रेस टेसा थॉम्पसन के ये पिक्चर को देखकर हम जैसे परेशान आत्मा ने इसमें भी थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ न कुछ ईस्टर एग देख ली, जो कि ये थी कि कुछ फैन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि शायद इस पिक्चर के हिसाब से थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर 11 को दिन में या फिर शाम तक हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद मुझे लग गया था कि ना, अब हमें ट्रेलर आजकल में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसके बाद ही अभी रिसेंटली हमें थॉर के कैरेक्टर को हिंदी में वॉइस देने वाले आर्टिस्ट गौरव चोपड़ा ने अपने रिसेंटली सोशल मीडिया हैंडल से ये कंफर्म कर दिया है। उन्होंने भी रिसेंटली थॉर लव एंड थंडर की डबिंग कंप्लीट कर दी है। इसका मतलब हमें 2 या 4 दिन के बाद या फिर इस वीक के बाद ही थॉर लव एंड थंडर मूवी का टीजर या ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ये चीज एमसीयू वाले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को जितना दिखाएंगे उनके इस मूवी की हाइप उतनी ही ज्यादा क्रिएट होगी। और एमसीयू वाले ने बिल्कुल सही तरीका सोचा है अपने मूवी को हाइप देने का। और वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड थॉर के फैंस कुछ ज्यादा ही हैं, तो अगर एमसीयू वाले ऐसा ना भी करते तो मूवी की हाइप बनी ही रहती। खैर, इसके साथ मैं आप लोगों के लिए थॉर लव एंड थंडर मूवी से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट लेके आया हूं। जैसे हमें अभी कुछ थॉर लव एंड थंडर मूवी के टॉय फिगर देखने को मिले थे, जिसमें हमें थॉर, माइटी थॉर के साथ साथ और भी सारे कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देखने को मिला है, जिसमें हमें थॉर के 2 लुक देखने को मिल रहे हैं, जहां हम थॉर के इस लुक को थॉर लव एंड थंडर मूवी के बिहाइंड सीन वाले इस पिक्चर से मैच कर सकते हैं, जो थॉर का कॉमिक्स का रेवेंजर थॉर का लुक है, जो कि इस लुक में थॉर मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखने वाला है। लेकिन गॉड द गॉड बूचर से पिटने के बाद थॉर अपने गोल्डन सूट में दिखेगा, जब थॉर अपने फुल पावर के साथ गॉड से रीमैच करेगा। और थॉर को इस लुक में देखना सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है मूवी में। और इस टॉय फिगर में जो सबसे देखने लायक चीज है वो है क्रिश्चियन बेल के गॉड द गॉड बूचर के टॉय फिगर, जिसमें हमें गॉड द गॉड बूचर का हल्का फुल्का लुक देखने को मिल रहा है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉड द गॉड बूचर का लुक मूवी में कैसा होने वाला है। जी हाँ, क्रिश्चियन बेल के फेस का यूज किया गया है। कॉमिक्स के मुकाबले ये थोड़ा अलग है, बट क्रिश्चियन बेल की फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है और यही कारण है कि मेकर्स को इनके फेस को दिखाना ही था गॉड द गॉड बूचर के रोल में भी। और हम फैंस को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ उसकी वेपन है, जो कि कॉमिक्स से सिम्बायट के गॉड नल से बिलोंग करती है, और इसके वेपन का बहुत बड़ा रोल था गॉड द गॉड बूचर के कॉमिक्स ओरिजिन में। खैर, अगर गॉड द गॉड बूचर की कॉमिक्स ओरिजिन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर दें। तो ये थे थॉर लव एंड थंडर मूवी से रिलेटेड कुछ खास अपडेट, जिसे कि मुझे लगता है कि आप फैंस को थोड़ी राहत तो मिली होगी मूवी को लेके। सो एवरीवन, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।